मंदिर के पुजारी को मर्डर करने वाले आरएसएस वाले हैं, और आप लोग ही हैं जो इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम संघ परिवार और आरएसएस और बीजेपी कर रही है। ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, यहाँ पर तो हिंदुओं के मर्डर्स करे तो लिस्ट है हमारे पास, और इसके अंदर पूरे अरेस्टेड कौन है? संघ परिवार के लोग, श्री राम सेना के लोग, बीजेपी के लीडर्स, ये सब लोग अरेस्टेड है। यहाँ पर 13 लोग जो मरे, जो लोग मर गए, जो आरएसएस और संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी को नहीं मानते, उनको आप लोगों ने मारा है। ये प्रॉब्लम है आपका। ये आरएसएस एक कैंसर है इस देश के लिए। और कार्तिक जो शख्स, जो बच्चा, एक स्टूडेंट, एबीवीपी वालों ने उसका मर्डर करने की कोशिश की, उसको तलवारों से हमला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़के ने ये कहा कि मैं सैफरन शॉल पहनकर यहाँ पर कोई हिजाब के खिलाफ नहीं करूँगा, तो इसीलिए उसको भी मारने की कोशिश की गई। अगर ये नहीं करते तो हम लोग भी अलन चलो का ऐलान करते थे। खुद बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल, श्री राम सेने, संघ परिवार के जितने भी लोग, इन लोगों ने मिलकर टोटल 36 मर्डर किए हैं। कितने? कर्नाटक में 36 मर्डर्स किए हैं, उसके अंदर 14 हिंदू नौजवानों की डेथ हुई है। उसी सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके एमएलए और एमपी, एमएलसी सब लोग मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। क्या एसडीपीआई की सरकार है जो आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये आपकी नाकामी बता रहे हैं। आप हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे सकते। ये कहावत सब लोग जानते होंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका बोलकर। संघ परिवार और बीजेपी के पास ये वही बात हुई जिस तरीके से ये लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता का डेथ हुआ, कार्यकर्ता का डेथ हुआ, जो रो रो कर जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब जगह पर जाकर, इनसे हम पूछना चाहते हैं किसी सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपके एमएलए और एमपी, एमएलसी सब लोग मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। क्या एसडीपीआई की सरकार है जो आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये आपकी नाकामी बता रहे हैं। आप हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे सकते, आप कर्नाटक के लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते, ये आप अपनी नाकामी बता रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर जो जिस तरीके से नाउ हिंदू, नावेल्ला हिंदू बोलकर जो नारे लगाते हैं बीजेपी वाले, खुद बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल, श्री राम सेने, संघ परिवार के जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर टोटल 36 मर्डर किए हैं। कितने? कर्नाटक में 36 मर्डर्स किए हैं, उसके अंदर 14 हिंदू नौजवानों की डेथ हुई है। तो 14 नौजवानों का मर्डर आरएसएस और संघ परिवार के लोगों ने किया है। आज मैं उनका एक एक नाम लेकर आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा, जिसके अंदर विनायक बलिगा, आरएसएस लीडर, जिसका मर्डर किसने किया? संघ परिवार ने किया। बीजेपी लीडर प्रवीण पुजारी का मर्डर किसने किया? आरएसएस ने किया। कृष्णैया पठारी, कोंडापुर मंदिर के पुजारी को मर्डर करने वाले आरएसएस वाले हैं। और उसके बाद हिंदू जागरणा वेदिके का प्रताप मुरली, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। डीवाईएफएफ के दो मेंबर भास्कर कोलाई और श्रीनिवास, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। हरीश भंडारी, इसका मर्डर किसने किया? संघ परिवार ने। शिवराज कोडिकारे, इनका मर्डर किसने किया? संघ परिवार। प्रकाश कोलाई, मणिकंठ सूरतकल, हेमंत सूरतकल, केशव पुजारी, हरीश, विनायकर बलिगर, नमो ब्रिगेड के लीडर, इनका भी मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। और कार्तिक जो शख्स, जो बच्चा, एक स्टूडेंट, एबीवीपी वालों ने उसका मर्डर करने की कोशिश की, उसको तलवारों से हमला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़के ने ये कहा कि मैं सैफरन शॉल पहनकर
यहाँ पर कोई हिजाब के खिलाफ नहीं करूँगा, तो इसीलिए उसको भी मारने की कोशिश की गई, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके बाद दिनेश एक दलित यूथ को संघ परिवार ने दो दिन पहले मारा है। और उसके बाद ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, यहाँ पर तो हिंदुओं के मर्डर्स करे सो लिस्ट है हमारे पास, और इसके अंदर पूरे अरेस्टेड कौन है? संघ परिवार के लोग, श्रीराम सेना के लोग, बीजेपी के लीडर्स, ये सब लोग अरेस्टेड है। तो यहाँ पर हिंदू नहीं आता क्या? यहाँ पर हिंदू नहीं है क्या? अरे आप लोग, हमारे को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है SDPI को। जो लोग महात्मा गांधी के कातिल हैं, उन लोगों से हमें सबक सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोग महात्मा गांधी के कातिल हैं, आप लोग इस संविधान को बदनाम करने वाले लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, और आप लोग ही हैं जो इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम संघ परिवार और RSS और BJP कर रही है। यहाँ पर 13 लोग जो मरे, जो लोग मर गए, जो RSS और संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी को नहीं मानते, उनको आप लोगों ने मारा है। ये प्रॉब्लम है आपका। ये RSS एक कैंसर है इस देश के लिए। यहाँ पर हिंदुओं को भी उतना ही खतरा है, मुसलमानों को भी उतना ही खतरा है। इस देश के अंदर जितने भी लोग जो संविधान को मानते हैं, उन तमाम लोगों से RSS को खतरा है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। मेरे तमाम हिंदू भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान ऐसे है, मुसलमान वैसे है, खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इसलिए मैंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही बात हो गई। तो खुद चोर कोतवाल को डांटे, ये बात हो गई। आप जो गुलबर्गा के अंदर जो चंदू पाटिल जी और भी बहुत सारे लोग मिलकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, जो आप नारे लगाए हैं गोली मारो सालों को, जो नारे लगाए हैं, यही नारा है जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में लगाया गया था। ये वही नारा है जो किसानों के एहतजाज में लगाया गया था, उनके खिलाफ में लगाया गया था, और उनके ऊपर गोलियां चली थी। मैं DGP कर्नाटका से और पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा से और SP मैडम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं और यही डिमांड करता हूं SDPI के जानिब से कि इन तमाम लोगों के ऊपर इमीडिएटली FIR होना और ये तमाम लोग जेल के सलाखों के अंदर रहना, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से किया है ये सरासर गलत है। जो नारे लगाए गए हैं ये सरासर गलत है। ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है। आज हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, SDPI का डिमांड है कि जो ईश्वर अप्पा खुद सामने ठहर कर मॉब को लीड कर वायलेंस कराए हैं, रियॉट कराए हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले हैं, इनको इमीडिएटली कैबिनेट से हटाना है और मंत्री पद से हटाकर और MLA से भी इनको बर्खास्त करना है। इस डिमांड को लेकर SDPI आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतना देशभक्ति के बड़े बड़े बातें करते हैं, जो अल्ताफ अहमद का जो डेथ हुआ, जो शहीद हुए अल्ताफ अहमद जवान, एक बॉर्डर पर बर्फ़ गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई, उसके बाद शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जो कोडगु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में उनकी बॉडी लाया गया, उनकी बॉडी पूरी ये एक देश के ऑनर के साथ उनको वहाँ पर उनका जनाजा किया गया, लेकिन वहाँ पर ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना कोई MLA और ना कोई अपोजिशन लीडर्स, ये कोई भी वहाँ पर नहीं गए। एक देशभक्त की आप इतनी, अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं, जो अल्ताफ अहमद ने जो अपनी जान गंवा दी इस देश के लिए, उसके लिए आप लोग नहीं गए, तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए और आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप लोग क्या हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरीके से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, इन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि SDPI पॉपुलर फ्रंट को और CFI को और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को जो टारगेट कर रहे हैं आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। समीर जो गदक के अंदर, जिसका 19 साल का लड़का जब मर्डर हुआ श्रीराम सेना की तरफ से, श्रीराम सेना के मुखंड लोग जेल में अभी भी मौजूद हैं, 4 से 5 लोग वो जेल में मौजूद हैं, उसके बारे में प्रियंका खड़गे साहब को बोलने का ये गट्स नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के पास वो गट्स नहीं है, और मुस्लिम MLA के पास वो गट्स नहीं है। लेकिन जो शरद के बारे में बोलेंगे वो लोग, हर्षा के बारे में बोलेंगे वो लोग, दूसरे मर्डर्स के बारे में बोलेंगे वो लोग, और उसमें SDPI को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये इन्हों लोग डर गए हैं SDPI से, इसीलिए इस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है आने वाले असेंबली इलेक्शन में SDPI इनको अपना जो भी है दिखाना है, जो दिखाना है इंशाल्लाह दिखाएगी और इनको सही सबक सिखाएगी आने वाले इलेक्शन में। अलन चलो के बारे में,
अलन चलो के बारे में जो चीज़ हुई है वहाँ पर मैं गुलबर्गा एसपी साहब, एसपी और गुलबर्गा डीसी, इन कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्हें बहुत अच्छा स्टेप लिया और वहाँ पर 27 तारीख से 3 तारीख तक उनको रोका गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। अगर ये नहीं करते तो हम लोग भी अलन चलो का ऐलान करते, लेकिन वेरी गुड, डीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया। कुछ दिनों से पहले हम देखते आ रहे हैं 16 जनवरी को नरगुंदा तालुक में दो मुस्लिम नौजवानों की बजरंग दल लीडर्स के हाथों मौत होती है और बजरंग के लीडर्स इसमें शामिल हुए और इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। तब कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सोंदे इसके खिलाफ ना प्रोटेस्ट की क्योंकि कानून अपना काम कर रहा था। उसके थोड़े दिन के बाद हर्षा नाम का बजरंग दल का लीडर का मर्डर होता है। यहाँ पर देखिए बीजेपी और आरएसएस का इनका पॉलिटिकल एजेंडा, ये एक आपसी झगड़े को कम्युनल एजेंडा बनाकर पूरे स्टेट में इसको एक कम्युनल फिरका वाराना इंसिडेंट बनाकर हर जगह श्री राम सेने की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक संयोजित ऑर्गेनाइज कर हर जगह प्रोटेस्ट निकाला जाता है और उस प्रोटेस्ट में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और ख़ासकर कुछ ऐसे तबकात जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, इनके दलितों के लिए काम करते हैं, उनको टारगेट रखकर उनके खिलाफ ऐसे जिनोसाइड्स के सपोर्ट में बात किए हैं, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिसेंटली थोड़े दिन पहले धर्मस्थला में एक दलित बच्चे का मर्डर हुआ, उसमें भी बजरंग दल का लीडर्स का हाथ है बोलकर बजरंग दल के लीडर्स अरेस्ट हुए। बोलना ये चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों में, सिर्फ थोड़े दिन में 3 लोगों का मर्डर हुआ कर्नाटक में, उसमें से एक मुस्लिम का था और एक दलित का था, उसमें सीधा सीधा बजरंग दल के लीडर्स का हाथ है। और एक हिंदू लड़के का मर्डर हुआ है और वहाँ पर आपसी झगड़ा बोलकर वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कम्युनल ताकतें जो बीजेपी आरएसएस है, इन बजरंग दल के जो लीडर्स हैं जहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यहाँ पर खामोश है। सिर्फ वहाँ पर जब हिंदू कार्यकर्ता के अपनी जब मर्डर होता है, इसको कम्युनल एंगल देकर पूरे स्टेट में ऐसा वातावरण बना रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाकर, आने वाले दिनों में 2023 को जो MLA इलेक्शंस है उसके लिए बीजेपी अपनी खेती तैयार कर रही है ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अपोजिशंस क्या कर रहे हैं, अपोजिशंस ये तीनों मामलों में खामोश है। चाहे वो नरगुंदा का क्या समीर का वाकया हो, ये दिनेश जो धर्मस्थला में जिसका दलित बच्चे का जो मर्डर हुआ, पूरे अपोजिशन इसमें खामोश है। लेकिन यहाँ पर जो सियासत जो बीजेपी आरएसएस मिलकर कर रही है, इसको अपोजिशन तक नहीं कर रहे, इसको कंडेम तक नहीं कर रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ ऐसी एक वाहिद पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ ये तीनों मामले में आकर, बीजेपी और आरएसएस की जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ आकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कम्युनल सियासतें बंद होना चाहिए, उल्टा हमें ही निशाना बना रहे हैं और हमें ही बैन करने की बात कर रहे हैं। जबकि बजरंग दल के लीडर खुद नरगुंदा में होंदे या धर्मस्थला में होंदे खुद शामिल है, खुद यहाँ पर बजरंग दल के लीडर्स मर्डर केस खुद मालूम पड़ा है। अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बजरंग दल को बैन करो, बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरे लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करो, कोई बात नहीं कर रहा, सब लोग खामोश हैं। ये जो दोहरी नहीं जो पॉलिसी कर्नाटक में चल रही है इसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। हर्षा मर्डर के बाद में जो प्रोटेस्ट चल रही है रामसेना की तरफ से, बजरंग दल के तरफ से, हम देखते आ रहे हैं खुलेआम इनके लीडर्स मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के बच्चे के खिलाफ खुलेआम बयान देते जा रहे हैं। रिसेंटली बीजापुर में एक इंसिडेंट देखे हैं कि दुर्गा वाहिनी की एक लेडी है, वो कहती है कि ये जो अगर सरकार तुम्हारे को चलाने नहीं आता तो अगर हमारे हाथ में दियो, हम ये जो 6 लड़कियां छोड़िए 60,000 लड़कियों को हम खतल कट करेंगे उनको बोल के ऐसा खुलेआम जिनोसाइड का क्लेम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एक FIR नहीं है। उसके अलावा मुख्तलिफ जगह पर आराम से ने बजरंग दल के लीडर्स खुलेआम मुसलमानों के ऊपर मारने की, इनके ऊपर कम्युनल जिनोसाइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक FIR नहीं है, उसके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बात करने की तैयार नहीं है। जब SDPI
और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो इनको उल्टा इन्हीं को बयान करने के लिए बात करते हैं। ये जो माहौल कम्युनल ताकतें बना रहे हैं बीजेपी और आरएसएस गवर्नमेंट आने वाले जो एमएलए इलेक्शंस है उसकी खेती तैयार कर रहे हैं, इसका हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसका खंडन करती है। और इस पूरे विवाद के पीछे जो शिमोगा का जो मर्डर है उसके बाद जो कम्युनल राइट्स हुए हैं इसके पीछे हम ईश्वरप्पा को जिम्मेदार समझते हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब और स्पीकर जो है विधानसभा के जो स्पीकर हैं इमीडिएटली ईश्वरप्पा को एमएलए की तरफ से और कैबिनेट से उनको डिसमिस किया जाए और उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, हमारा डिमांड है। पिछले कुछ दिनों पहले शिवमोगा में जो दंगा हुआ है जिसकी ईश्वरप्पा प्लस बीजेपी के कुछ एमएलए और एमपी को लेते हुए उन्होंने लोकल लीडर्स को लेते हुए ये मॉब को लीड किया था, मॉब को लीड करते समय पीछे उनका जो मॉब था बीच में मुसलमान जितने भी बस्तियां थी मस्जिदें थी लोगों पर हमला किया गया, इसकी एसडीपीआई सख्त मजम्मत करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मगर आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज गवर्नमेंट यूथ्स को जो है ना बुक्स देने के बजाय उनके हाथ में लाठी और पत्थर थमा चुकी है। ये सख्त मजम्मत वाली बात है और एसडीपीआई इसकी सख्त मजम्मत करती है। दूसरी बात, मैं मेरे हिंदू भाइयों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कर्नाटका एक पुरअमन स्टेट है, ये कुछ यूपी बिहार की तरह बिछड़ा हुआ नहीं है। कर्नाटका में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके साथ में रहते हैं। कुछ फेसिस ताकतें बीजेपी इसको जो है ना बर्बाद करने के लिए जुटी हुई है। ये कर्नाटका चित्तूर चन्नम्मा रानी का स्टेट है, हमारे टीपू सुल्तान का स्टेट है। हमें सब मिलकर मोहब्बत को ये बरकरार रखना है। ये बात करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ।